उत्तर प्रदेश में कासगंज के थाना सहावर क्षेत्र में मोहनगढ़ के निकट नहर की पटरी पर 2 दिन पूर्व श्रीनिवास निवासी जवाहरी एटा का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला था। मामले के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक 2 टीमों का गठन किया गया था। मृतक के बेटे नामजदों के नाम तहरीर दी थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त नेपाल ने पूछताछ में बताया कि मैंने 43 बीघा जमीन श्रीनिवास को बेची थी, जिसमें से मुझे 10 लाख रुपए नगद दिए, बाकी चेक दिए गए जो बाउंस हो गए। जब मैंने श्रीनिवास से कहा तो वह रुपए देने में आनाकानी करने लगा। मैंने दोस्तों के साथ योजना बनाकर श्रीनिवास की हत्या कर दी और मोटरसाइकिल उसके ऊपर डाल दी ताकि लोग उसे दुर्घटना समझे। कि उनके पिता का शव नहर के किनारे पड़ा हुआ है, इस सूचना पर वहां अपराध पंजीकृत किया गया। अपराध पंजीकरण के बाद इस घटना के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा हमारी एसओजी टीम को, उसके साथ साथ प्रभारी निरीक्षक की टीम को सक्रिय किया गया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।